खाना आ गया तुम्हारा बंदरो, इसको पता चल गया। इसने ये आप सबने देखा था कि ये क्या क्या करती है, तो उस चीज का एक ये इलाज निकाला। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रशिद पंगाल, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। भाई मैं ना सो के आया हूँ अभी, और अभी टाइम भी लेट होया हूँ, मतलब 10:30 हो गए हैं। और पता है ऊपर रखे क्या देखा मैंने इन दोनों को, ये देखो छत का हाल देखना एक बार आप, ये देखो भाई साहब एक बार हटना, ये देखो नए पौधे उड़ा रखे हैं, ये देखो हाल देखो छत का, छत का हाल देखो, टेरेस का हाल, इन्होंने क्या बुराल करा। और ये देखो सबसे ज्यादा तो ये देखो, मैं ये रॉक्स लेके आया था, इनको दो वॉश करके रखा हुआ था कि एक्वेरियम में लगाऊंगा मैं, महाराजा ने देख। ओए थोर ये क्या कर रहा तुमने यार, ओ शरारती हो, ओए ओ तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी वापस शुरू होगी ना नौटंकियां। देखो भाई अब बताओ बंदा क्या करे। पर खुशी भी बहुत होती है मुझे तो, ये दोनों बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, मतलब हद से ज्यादा अच्छे। खुशी खुशी की अलग महत्व है और थोर का अलग महत्व है, मतलब खुशी की अलग इम्पोर्टेंस है, थोर की अलग इम्पोर्टेंस है। दोनों मिल जाते हैं तो पूरा तगड़ा पैकेज बन जाते हैं। देखिए देखिए देखिए, आपको ना मैं इसका, चलो इन ये चीज सेट करके फिर दिखाता हूँ नीचे। मैंने खुशी के लिए ना केज सेटअप करा है, केज नहीं कह सकते, एक बैरियर सेटअप करा है, केज नहीं है, एक बैरियर ही है, जिसकी वजह से ये घर पे भी अच्छी तरीके से रहेगी और बहुत सारी चीज सही होगी। चलो अभी नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो क्यों ले गया है मैं। चलो जी, उन आपके बच्चों ने ऊपर क्या हल करा हुआ पता आपको, पापा सारा है, सारी छत खराब करी हुई है, दोनों है पापा एक नहीं है। और उसके साथ खुशी के साथ मिल गया तो थोर भी सेम शैतान हो गया। अब इनका खाना तैयार हो रहा है, खुशी को भी हम ये थोर वाला ही खाना देने लग रहे हैं, अब से स्टार्ट करें कल रात से, और वो बहुत बढ़िया तरीके से खा रही है। और ये अपनी हेलो मैडम, ये अपनी ग्रेवी खा रही है सुबह सुबह की। चलो भाई ये सारा खाना लेके चल रहे हैं अपने दो अनमोल रत्नों का, और मैं ऊपर जाके आपको मिलता हूँ, एक बार सेट कर दूं कोई मेरे हाथ से गिर ना जाए। चलो भाई हम पहुंच गए हैं, खाना आ गया तुम्हारा बंदरो, इसको पता चल गया। ये तो खुशी का खाना है और ये थोर का है, थोर को अंडे ना मिक्स करेंगे देते, जैसे उसको मिक्स करके दिया हुआ है, थोर को बाद में खिलाएंगे क्योंकि ये अंडों के लालच में खाना खा लेता है। चलो चल भाई, खुशी तू आ पहले, नहीं इसको खाने नहीं देगी। आ जा खुशी का, ये आ जा थोर, थोर तू आ जा, थोरू तेरा ये रहा, चल चल चल, कोई यहाँ खिला देते हैं यार, खा ले खा ले। देखो अब इसका ना खाना खत्म होने वाला है ना, तो ये पता क्या करेगी, उसके पास जाएगी उसका खाना खाने के लिए, कि भाई ये कोई दिक्कत नहीं है खाना, देख 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 जाएगी उधर। खुशी खुशी तेरा खाना नहीं है, थोर का खाना है, खुशी तेरा नहीं है, चल पीछे पीछे पीछे, तेरा नहीं है बंदर, देखो पूरा खिलाया ना खाना, तेरा खिलाया ना बेटी, आजा तुम मेरे साथ घूमने चला जा, थोर को खाना खाने दे। बंदरू तूने खाना खा लिया ना, चल बहुत तेज आदमी है भाई ये, बहुत तेज आदमी है। अब थोर की जो मेन खाना है, थोर के लिए डिजर्ट है, तेरे को मिल गया बांदरी, तेरे को जितना मिलना था मिल गया, देख 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 रुक जा, मुझे पता है तेरा तू भागेगी, मुझे पता है, हाँ ये देख खुशी ये देख देख, तंग मत कर खुशी, उसे मत कर बेटे, तेरे को खाना खिला तो दिया खुशी, नहीं ये बात तो सुनने लगी जैसे तेरे खुशी, देख है ना सुनने लगी ना, मैं कहा सुनती थी, कल तो तेरे को निलाया है, तू फिर खारिज कर रही है, ओ बांदरी है, खा लिया थोरू खाना, खुशी खुशी नो 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 नो, उसको खाने दे, देख लो इस तूफान को। हेलो 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 बांदर, क्या कर रही है, जूस पीना तुझे, तुझे जूस पीना है ला? हेलो, ये हर बार आ जाती है ऐसे,
देखो इसके बाल देखो कितने सुंदर है। हेलो कैसे देख रही है, हेलो घुस गई अपने घर में, घुस गई घर में घुस गई अपने, अब यहाँ सो जाएगी, सोने का टाइम है, ग्रेवी खा लेना अब सो जाएगी। लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये है भाई अपने कुकुम्बर खीरे। ज़ूम नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, फोकस नहीं कर रहा। ये देखो ये पूरे बड़े बड़े पीस डाले थे मैंने, इतने बड़े बड़े, और ये कितने रह गए, और ये एक्वेरियम में डाले थे, ये पता किन्होंने खाए हैं, इन्होंने, ये अपने क्लैको ने, ये भी एक, ये यही खाते हैं यार, ये खाना नहीं खाते ना, जैसे जो फीड देते हैं तो ये वेजिटेबल्स पे रहते हैं, वो बैठी इनके लिए डाले थे, इन्होंने खा लिए, इनका भी ध्यान देना पड़ता है, ये यही फीड नहीं खाते, जो ये खाती है ना, ये ऊपर रखा हुआ फीड, देखो अभी अभी डाला है मैंने। तो आप लोगों के पास भी प्लेको है तो आप भी इनको यही खाना दे सकते हो, देखो। चलो भाई टाइम आ गया नीचे चलने का, चलो भाई थोर चल नीचे आ जा, चलो चल आ जा खुशी, चलो ए शैतान चल, चलो चल 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 थोर चल खुशी, ओए बिल्कुल नीचे नहीं जाना खुशी, मेरे प्लॉट में जाना, चल चल खुशी चल, चल खुशी चल, चल। सो दोस्तों गाइस आप सबको एक बात बतानी थी, जो आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि खुशी को मैंने क्यों उसके लिए ये सेटअप करा है। आजा खुशी चल चल चल, अपने अपने पता क्या सीन है जी, इसने ये आप सबने देखा था कि ये क्या क्या करती है, तो उस चीज का एक ये इलाज निकाला है मैंने। नो नो खुशी नो नो, देखो सुन गई ना मेरी बात, सुन गई ना, तो ये ऐसे मेरी बातें सुनती भी है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इसका केज वगैरह क्यों लगाया। पहली बात तो ये केज नहीं है, एक फेंसिंग सी है, केज ऊपर नीचे दोनों से बंद होता है, ये एक सिर्फ एक बाउंड्री सी बनाई है। सबसे पहली बात कि आप सबने देखा था कि खुशी इधर ऊपर चढ़ जाती है और कई सारी चीजें इसने चबाई भी है, जैसे देखो ये देखो इसने सारा उस तरफ से भी करा हुआ है, ये देखो और ये देखो, और चलो ये चीजें भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, बस बात ये है कि इससे गलत आदत होती है। दूसरा आपने देखा था कि ये इसके ऊपर खड़े गया होके भी इसने सुसु कर दिया था, ठीक है, तो ये सारी चीजें, और ये बिल्कुल भी नहीं रुकती, क्योंकि आप सबको पता है इसमें एनर्जी हद से ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी को सही जगह डाइवर्ट करने के लिए मैंने ये आइडिया निकाला, जिससे ये भी खुश रहे और कोई और इशू भी ना हो। दूसरा ये हर जगह सुसू कर रही थी पूरे फ्लोर पे, तो उसकी वजह से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, है ना, और स्मेल फिर वो दिक्कत आती है, क्योंकि मेरी मम्मी को जो जो पर्सनली जानते हैं उन सबको पता है कि भाई सफाई के मामले में वो किसी का भी किसी की भी नहीं सुनते, किसी की भी। इसलिए हमारे घर में दो बार सफाई होती है दिन में, दो बार काम वाली बार आंटी आती है, दो बार तो वो करते और बीच में हम भी करते कई बार, तो इसलिए भाई साफ सफाई रखनी जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा घर भी थोड़ा वाइट थीम है, वाइट थीम पे बेस्ड है, तो हर जगह टाइले भी वाइट है, अंदर से कलर भी वाइट है, वो तो इस वजह से वाइट के ऊपर इनके बाल बहुत जल्दी दिखते हैं, और इन चीजों को साफ रखने के लिए भाई सफाई तो मांगते हैं ना, तो एक ये रीजन भी था। दूसरा अब इस वजह से देखो इस केज में क्या करा मैंने, एक तरफ इसका बिस्तर बना दिया, एक तरफ इधर रख दिया, अगर इसको बाई चांस सुसु आती भी है तो ये इस साइड आके कर लेगी, पर अब तक इसने नहीं करा ऐसा, और ये थक इतनी गई है कि ये सो चुकी है, आप सब देख पा रहे हो सोए क्यों है, क्योंकि मैंने इसकी रूटीन ही ऐसी सेट कर दी है जब से मैं कैनल से इसको लेके आया हूँ वापिस, सुबह 3 घंटे से 4 घंटे ये थोर के साथ ऊपर खेलती है, जो आप देख आए हो, है ना, क्या बुरहाल करते हैं ये, तो ऊपर इतने थक जाते हैं, और दोनों सुबह का खाना और दोपहर वाला खाना इसको ऊपर ही मिलता है, खिला दिया, अब ये इतनी थक चुकी है और इतने इसके पेट पे खाना हो चुका है, तो ये अब पूरी नींद लेगी 4-5 घंटे की, और आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनको नींद लेना बहुत जरूरी है, तभी इनकी ग्रोथ आएगी, तो फिर अब ये बहुत अच्छी नींद लेगी शाम के 4-5 बजे तक, 5 बजे फिर इसे लेके मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाके सुसु करेगी, और सुसु करेगी फिर मैं इसको थोर को बुलाऊंगा, थोर ऊपर आ जाएगा, और फिर शाम को इसको पनीर मिलता है जो वो दूंगा मैं, फिर ये 1-2 घंटे ऊपर खेलते हैं, उसके बाद फिर रात को आते हैं, तो जब रात को फिर इसको इसका डिनर दूंगा मैं, और फिर रात को आके फिर ये अच्छी तरीके से सो जाती है। 2 दिनों से मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है।
और ये देखो भाई, ये सिर्फ एक बाउंड्री है, फेंसिंग मान लो कि ये इस तरफ ना पाए, इस तरफ ना पाए, ये मतलब अच्छी तरीके से सो जाए, और इसमें इनफ स्पेस है रोम करने के लिए, मतलब घूमने के लिए। और ये घूमती तो है नहीं, ये सिर्फ सोती है, जैसे कि आप अभी भी देख रहे हो, ये सो चुकी है। तो हमारा प्यारा बच्चा सो चुका है, देख लो। सो दोस्तों, शाम का टाइम हो गया और अब ये टाइम है शाम का खाना खाने का और शाम को खेलने का। तो हमारी खुशी बाहर आ चुकी है, चले खुशी बेटू, चल खुशी आ जाओ, ऊपर चलते हैं, चल देखा मेरे साथ चल, ऊपर पकड़ेगी, चल 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 आ जाओ, आ जा, अच्छा चल 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 चल, अभी थोड़ा भी ऊपर आएगा, शाम के 5 बज चुके हैं भाई, ये देखो अभी ऊपर आके यहाँ सुसू करेगी और इसको यहाँ ही खाना मिलेगा। छत धो दी है भाई सारी साफ हो गई छत, कर ले सुसू कर ले, मैं तेरे लिए खाना लाता हूँ फिर। देखो यहीं सुसू करेगी, देखो कितनी प्यारी बच्ची हो गई है, सारी बात मानने लग गया मेरी। ये देखो भाई, मैडम ने सुसू भी कर दिया, शीशे कर दिया मेरे बेटू ने, समझदार हो गया ये, समझदार हो गया मेरा बच्चा, समझदार हो गया तू है, आजा खुशी। नहीं वो सुसू कर दिया, तुमने मैं उसमें पानी मार देता हूँ। गाइस एक चीज और दिखाना चाहता था मैं, ये देखो व्हाइट रोज, मैंने सच में पहली बार खुद देखा व्हाइट रोज, और ये मेरे खुद के टेरेस पे लगा हुआ है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एक ही है बस पूरे प्लांट पे, ये देखो ये रहा, और ये मेरे खुद के टेरेस पे लगा हुआ है यार, और मुझे मैंने कभी खुद मतलब पहली बार देखा है, ये देखो शैतान बच्चे, ये मेरा लोअर है, जिम पहन के जाना है मुझे। गंदू खुशू, ये मेरा बेटा, ओ भूड़ के ना पड़े, आजा खुशी आजा आजा आजा, हाँ ये देखो भाई अपनी फिशेस भी सारी सही हैं। 2 फिश की डेप्थ होगी भाई जब मैं दिल्ली गया हुआ था, और उसका कोई रीजन नहीं पता चला क्यों हुई है। ये वाली जो फायर माउथ है ना, ये 2 ऐसी ऐसी अपने पे 4 थी, उनमें से 2 की डेथ हो गई है, और ये भी अपनी सकर कैट बहुत हेल्दी है दोनों, ये दोनों अलग अलग है यार, मेरे को इनका नाम वैसे बोलते तो नहीं, कॉमन सकर कैट है, बट यार इनके कलर में बिल्कुल अलग अलग फर्क दिख रहा है। प्लांट्स बिल्कुल सही है, सब चीज सही है। अब मैं इसमें फिशेज वगैरह वो डालता हूँ, देख मुझे यार पता क्या, मेरे साथ एक इशू आ रहा है कि मुझे ना फिशेज कोई पसंद नहीं आ रही, पसंद इस सेंस में नहीं आ रही है कि यार मैंने लगभग हर टाइप की फिश रख चुका हूँ, मैं हर टाइप की, मैंने ये वाली कभी नहीं रखी थी तो मैं लेके आया हूँ। मुझे पता है टैंक बहुत खाली लग रहा है फिशेज के मामले में, बट फिर भी मैं ये रख रहा हूँ, और मैं ऐसी ही फिश लाना चाहता हूँ जो मैंने अब तक ना रखी हो। जितनी भी कॉमनली जो पेट शॉप्स में या फिश शॉप्स में मिलती है, एक्वेरियम शॉप में मछलियाँ जो कॉमन है वो सारी रख चुका हूँ मैं, तो इसलिए आप मुझे कोई एग्जॉटिक फिश की सजेशन दो जो हम रखें, है ना, जो इस टैंक के लिए परफेक्ट हो। आप देख सकते हो इस टैंक के लिए जो परफेक्ट है ना, सिर्फ उसका ही मेरे को बताना, और मैं वो पक्का लेऊंगा, मैं सर्च कर रहा हूँ। मुझे ना, मैं रोज, आप मानोगे नहीं, मैं आज भी सीवन वाले भैया की शॉप में गया था, वो थे नहीं, फिर भी मैं चला जाता हूँ, ऐसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए अलाउड है सब कुछ, तो मैं जाता हूँ, मैं चेक कराता हूँ कि कोई नई फिश आ रही है या नहीं आ रही, तो फिर ना मेरा मन सा नहीं बांधता कि ये वाली ले, जैसे वहां पे उनके पास ना बहुत सुंदर सुंदर पैरेट फिश है बड़े वाले साइज में, तो मैं सोचा मैं रख लूं, बट वो मैं रख चुका हूँ, इसलिए मेरा मन सा नहीं बांध रहा। आप खुद लोग, आप लोग मेरी मदद करो ठीक है इस मामले में। और ये देखना बंदर, इसने डिनर कर लिया है, और ये टाइम इसका और मेरा खेलने का टाइम है, हम यहाँ पे आधा घंटे तक हम दोनों ऐसे खेलते रहते हैं रात को, उसके बाद इसको फिर सुला दूंगा मैं, फिर मैं अपना खाना खाऊंगा। जिम से आ चुका हूँ मैं, जैसे आप देख ही रहे हो। चलो भाई, इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके लिए सरप्राइज होगा बहुत बढ़िया, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ठीक है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी फिश रखूं मैं, और ठीक है इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।